मुझे पता है यार, आप में से काफ़ी सारे लोग कोबरा बंडल के रिटर्न आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड आपको बता दूं कि अभी तक जो भी लीक्स निकल के आई थी कोबरा बंडल के रिटर्न आने की, वो सभी चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि भाई रमजान इवेंट आने वाला है, प्लस होली इवेंट भी आने वाला है। तो कुछ नई लीक्स निकल के आई हैं कोबरा बंडल रिटर्न की, उसके इवेंट एंड डेट को लेकर आज की इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने वाला हूँ। बाकी कोबरा MB40 की तरह उम्मीदों पे पानी तो नहीं फरेगा, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्या सिनेरियो वगैरह हैं कोबरा बंडल रिटर्न के, सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। बाकी यार देखो, फिलहाल जो अपने इंडिया सर्वर के अंदर गोल्ड ड्यूअल बंडल चल रहा है फीमेल का, वो कल सुबह 4 बजे चेंज हो जाएगा। मतलब कल नया बंडल आने वाला है जो कि मेल का होगा, सबसे बड़ी बात तो यह है। अब होगा कौन सा आगे वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। बाकी यार देखो, काफ़ी सारे मस्त मस्त न्यू इवेंट्स आने वाले हैं, रमादान पास इवेंट को लेके भी थोड़ा सा बात करेंगे एंड और भी काफ़ी सारे इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स मैंने पिक कर लिए हैं, तो उनका भी रिप्लाई मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। आपके मन में कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक को लेकर, बेझिझक कमेंट कर दिया करें, सबका रिप्लाई आपका टेक्नो भाई करता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें और हमेशा एक तरफ से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल भी सेट कर लेना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अपने टुनाइट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कल 6 मार्च को अपने इंडिया सर्वर के अंदर कौन सा नया इवेंट आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कल सुबह 4 बजे अपना जो गोल्ड वाला बंडल चल रहा है फिलहाल फीमेल का, वो चेंज हो जाएगा, उसकी जगह नया मेल का बंडल ऐड होने वाला है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, बेसिकली कंफर्म तो नहीं हो पाया कि कौन सा बंडल आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 मेल के बंडल हैं, जो इनमें से गाइज एक हमें कल देखने को मिलेगा अपने गोल्ड रॉयल के अंदर। आप देख सकते हो, पहला तो ये बंडल होने वाला है, ठीक है, एंड सेकंड नंबर पे ये बंडल होने वाला है मिडनाइट राइडर बंडल, एंड थर्ड नंबर पर स्लीक बैंडेड बंडल होगा, एंड फोर्थ नंबर पर ये चिली हॉटी बंडल। इन चारों बंडलों में से कोई एक बंडल हमें देखने को मिलने वाला है कल अपने गोल्ड रॉयल के अंदर। ये भाई 99% कंफर्म है, 1% कह नहीं सकते गहने वाले कोई फीमेल का बंडल डाल दें, लेकिन जो मैंने आपको चारों बंडल दिखाए हैं ना मेल के, इनमें से कोई एक ना एक बंडल आने के 99% चांसेज हैं। ओके, अब बताना मुझे कमेंट करके कौन सा बंडल आना चाहिए इनमें से। एंड चलिए अब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो से पिक किया। पहली कमेंट आ रही है इस ब्लैक 444 की तरफ से, या भाई करें ब्लैक बनी बंडल कब आएगा। भाई ब्लैक बनी बंडल तो आने से रहा अपने इंडिया सर्वर के अंदर, लेकिन इस मार्च महीने के एंड में जो अपने कुछ बंडी बंडल्स आए थे ना, नीले पीले काले जो भी थे, लाल वगैरह मास्टरमाइंड टाइप के, वो देखने को मिलेंगे हमें गेम के अंदर। उनके साथ में क्या है ना, एक नया बंडल भी आने वाला है बन्नी, तो आप देख लो भाई, टोटल यहाँ पे टोकन व्हील इवेंट निकल के आ रहा है एंड इसी के गाइज अपने इंडिया सर्वर के अंदर आने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि बहुत से ज़्यादा सर्वर के अंदर ये इवेंट डाला जा रहा है, तो अपने इंडिया सर्वर के अंदर मार्च महीने के एंड में ये आ सकता है। यहाँ पे 3 तो ये बंडल हो गए बनने वाले अलग से, मतलब जो मास्टरमाइंड टाइप के बंडल हैं, बाकी एक यहाँ पे नया बंडल आपको ये देखने को मिलेगा बनने का, ल्यूमिनस बंडी बंडल, ठीक है। तो ये टोटल 4 बंडल इस टोकन व्हील इवेंट के आने वाले हैं, एंड डेट मैंने आपको बता दी, डेट तो नहीं मतलब टाइम बता दिया, इस मार्च महीने के एंड में, समझ रहे हो। जैसे ही डेट इनकी कंफर्म होती है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी बताइएगा कौन सा निकालने की सोच रहे हैं इनमें से। एंड ब्लैक बंडी बंडल तो भाई आने से रहा, वो नहीं आएगा अभी, ठीक है ना। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट आ रहा है विशेष ओझा की तरफ से, ये भाई कह रहे हैं भाई ऑल जोकर बंडल रिटर्न कब आएंगे। भाई इनके रिगार्डिंग फिलहाल के लिए तो कोई लीक्स नहीं आ रही है, एंड मुझे तो लगता है ये शायद कुछ महीने पहले रिटर्न भी आए थे अपने इंडिया सर्वर के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए कोई लीक्स नहीं है भाई इनकी, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट कमेंट आ रही है गाइस यहाँ पे रॉकी गेमिंग की तरफ से, ये भाई कह रहे हैं भाई आप गिव अवे कब करोगे। यार गिव अवे का कुछ पूछो ही मत ना, फिलहाल कुछ ऐसा सीन चल रहा है, आपको पता होगा 100 के स्पेशल मैंने 2 गिव अवे रखे थे, जिनमें से पहला गिव अवे तो हो चुका है, सेकंड जो कि मेगा गिव अवे था वो होना बाकी है, एंड वो इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि भाई वाईफाई का प्रॉब्लम हो चुका है, जो कि यार अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अभी लिटरली जो वाईफाई के प्रोवाइडर हैं उन्होंने बोला था कि हम 25 फरवरी को आपकी जो वाईफाई है उसको इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन 5 मार्च हो चुकी है और कॉल भी कर रहा हूँ ना, तो भाई कॉल कोई पिकअप नहीं कर रहे हैं, समझ रहे। जब तो बोले थे कि 25 तारीख को इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन यार 10 दिन हो चुके हैं लगभग, तो अभी तक भी यार कोई भी सीन नहीं है वाईफाई का। जैसे ही वाईफाई लगते हैं लाइव स्ट्रीम तुरंत चालू हो जाएगी, कस्टम वगैरह होंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे, जो विनर होगा उसको प्राइज मिल जाएंगे। प्राइज़ तो आपको पता ही होगा, या तो आईडी या फिर मेंबरशिप वगैरह का प्राइज रहेगा, ठीक है ना। ये सीन है, मैं भूला नहीं हूँ, टेंशन मत लो भाई, होगा जरूर से, ठीक है ना। तो यही थे यार आपके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स, और चलिए आपके रमादान इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, रमादान इवेंट जो है अपने इंडिया सर्वर के अंदर जल्दी ही स्टार्ट होने जा रहा है, डेट तो बेसिकली अभी कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन जहाँ तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ 9 या 10 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके रिलेटेड यार आपको काफ़ी सारे मस्त मस्त आइटम्स एंड रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे, कुछ फ्री में होंगे एंड काफ़ी सारे पेड भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसका यार बहुत बंदे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है रमादान पास इवेंट। क्योंकि रमादान पास इवेंट के अंदर आपको 99 डायमंड में काफ़ी अच्छे खासे आइटम्स का तो ट्रायल मिल जाता है, एंड एट द एंड में जाके आपको काफ़ी अच्छे आइटम्स मिल भी जाते हैं ऑसम से, ठीक है। तो रमादान पास इवेंट के बारे में बात की जाए तो देखो भाई,
अभी आइटम जो यहाँ पे कंफर्म तो नहीं है क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन एक M1887 की स्किन है जो कि मे भी हो सकता है आपको रमादान पास इवेंट के एंड में दी जाए। अब स्टार्टिंग में जो ट्रायल आइटम रहेंगे वो ओल्ड इवेंट के आइटम्स भी हो सकते हैं रमादान इवेंट के, या कुछ अलग अलग तरीके की गन स्किन्स भी हो सकती हैं, लेकिन जो एट द एंड यहाँ पे आइटम होगा या तो वो कटाना की स्किन हो सकती है या फिर M1887 की ये वाली स्किन हो सकती है। इन दोनों में से कोई एक आइटम होगा जो मेरा मानना है, बाकी लीक्स निकल के आते हैं रमादान पास इवेंट की वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड देखो ऑल टोटल आइटम्स एंड रिवॉर्ड जो भी थे रमादान पास इवेंट के वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, आप बारी बारी करके देख सकते हो। इनमें से काफ़ी सारे आइटम्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं एंड काफ़ी सारे आइटम्स आपको पेड इवेंट्स के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। रिंग इवेंट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे एंड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आने बाकी हैं। तो अभी डेट एंड इवेंट वगैरह तो कंफर्म नहीं हो पाई हैं, बट धीरे धीरे करके सब कुछ कंफर्म हो जाएंगे कि कौन सा आइटम किस इवेंट के अंदर आने वाला है, ठीक है। बाकी आप बैकग्राउंड में जो है सभी आइटम्स का रिव्यू देख ही पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स एंड बंडल जो है रमादान इवेंट के इस बार आने वाले हैं, तो धूमधाम से बनाया जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे लॉबी स्किन एंड लोडिंग स्किन भी निकल के आ रही है रमादान इवेंट की, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो भाई रमादान इवेंट बढ़िया चलने वाला है इस बार का। एंड होली इवेंट की बात की जाए तो देखो होली इवेंट इस बार का मनेगा तो धूमधाम से, लेकिन ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है। छोटा सा इवेंट ही सेलिब्रेट किया जाएगा और सबसे बड़ी बात तो यह है भाई जो इस बार का होली इवेंट है वो अपने होली नाम से ही रहेगा। आइटम्स एंड बंडल्स वगैरह आपको काफ़ी मस्त मस्त देखने को मिल जाएंगे इस बार होली इवेंट के, और आसार तो भाई ऐसे भी है कि होली इवेंट से पहले पहले ही अपना फ्री फायर इंडिया भी आ जाएगा, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें चल रही हैं फ्री फायर इंडिया के सूट वगैरह को लेके, क्योंकि जो भी पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर्स हैं वो सब इधर उधर मजे ले रहे हैं एंड कुछ ना कुछ हिंट जो है शेयर कर रहे हैं कि भाई फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग कुछ पकड़ा है। तो होप करो कि यार फ्री फायर इंडिया जो है अपना होली इवेंट से पहले आ जाए तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज रहेगा सभी इंडियन प्लेयर्स के लिए, ठीक है। मैं तो भाई यही होप करके बैठा हूँ। और चले गए अब अपने कोबरा बंडल रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो यार आपको वीडियो में फुल मजा आ रहा है, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कोबरा बंडल को निकालने के लिए कितने डायमंड इकट्ठे करके बैठे हैं। तो भाई देखो सीन ये है कि अपने इंडिया सर्वर के अंदर कोबरा बंडल रिटर्न आएगा, जरूर से आएगा। पहले गाइस लीक्स निकल के आ रही थी कि 10 मार्च से पहले पहले रिटर्न आ जाएगा, लेकिन गाइस अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि रमादान इवेंट चलेगा, इसके भी काफ़ी मस्त मस्त इवेंट एंड आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा होली इवेंट चलेगा, तो होली इवेंट के रिगार्डिंग आपको ठीक ठाक इवेंट देखने को मिलेंगे, तो उसी के बाद गाइस कोबरा बंडल हमें रिटर्न मिलने वाला जो कि नेक्स्ट मंथ में आएगा। लेकिन गाइस ऐसा भी हो सकता है कि सरप्राइजली यहाँ पे गरना वाले इसको पहले ही रिटर्न में डाल दें क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी उम्मीद लगाए बैठो कि 10 मार्च से पहले भी आ सकता है। लेकिन अगर 10 मार्च से पहले पहले कोबरा बंडल रिटर्न नहीं आता है तो भाई आपको फिर अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में रिटर्न देखने को मिल जाएगा कोबरा बंडल, क्योंकि यार रमजान इवेंट और होली इवेंट की वजह से थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। एंड होप करो कि यार ना हो 10 मार्च से पहले पहले कोबरा बंडल रिटर्न आ जाए तो मजा आ जाए। बाकी बात की जाए इवेंट वगैरह क्या हो सकता है, तो दो इवेंट हैं, या तो कोबरा सेंसर इवेंट या फिर जो तुम्हारा टोकन व्हील रिंग इवेंट हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई एक इवेंट रहेगा, अदर सर्वर के अंदर तो भाई रिंग इवेंट के अंदर डाला जा रहा है कोबरा बंडल को एंड साथ में कुछ और भी आइटम्स। एंड कोबरा बंडल को निकालने के लिए ना यार अपनी आईडी के अंदर 2500 से 3000 डायमंड तो भाई इकट्ठे करके रखना, क्योंकि जब मैंने निकाला था कोबरा बंडल को तब भाई मेरे 2500 डायमंड खर्च हुए थे, ठीक है। तो वेट करना भाई, कोबरा बंडल जल्दी ही रिटर्न आने वाला है। बाकी बताइएगा आपने कितने डायमंड इकट्ठे करके रखे हुए कोबरा बंडल को निकालने के लिए। इस वीडियो के अंदर इतना ही था, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।